हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पिंकी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का रसगुल्ला। के लिए मैंने एक कप दूध, आधी कटोरी सूजी, 500 ग्राम चीनी, एक चम्मच घी, एक चम्मच इलायची पाउडर लिए हैं। मैंने गैस ऑन कर लिया है। एक पतीला लेंगे, इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। अब इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी को मिलाते रहना है। अब चाशनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे, इससे अच्छी खुशबू आता है चाशनी में। इस तरह डाल के बनाने से बहुत अच्छा चाशनी होता है। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लें। अब ढक्कन को हटा लेंगे। चाशनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये ज़्यादा गाढ़ा या पतला नहीं होना चाहिए। अब रसगुल्ला बनाने की रेसिपी पे चलिए। अब पैन चढ़ा देंगे, इसे गर्म होने देंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें घी डाल देंगे, इसे मेल्ट होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें दूध डालेंगे। इसे धीरे धीरे मिलाते जाएंगे। धीरे धीरे मिलाते रहें जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। दूध में उबाल आ चुका है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे कि लम्स ना पड़े। इसी तरीके से सारे सूजी को धीरे धीरे देकर मिला देना है। इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे मिलाना है। इसमें इलायची भी डाल देंगे। इसे मिलाएंगे। दूध ने सूजी को सोख लिया है। अब इसे अच्छी तरीके से मिलाना है। मिला के मावा बना लेना है। अब इसे प्लेट में निकाल देंगे। इसे प्लेट में मैंने निकाल लिया है। इसे थोड़ा ठंडा होने दें। अब हमारा मावा हल्का ठंडा हो चुका है। इसे मसल मसल के अच्छा डो बना लेना है। अब हमारा डो तैयार हो चुका है। अब इसकी लंबी करके इस तरीके से छोटी छोटी लोई काट लेनी है, रसगुल्ले की आकार में इस तरीके से। अब इसे गोल शेप में कर लेना है, जिस तरीके से रसगुल्ला होता है। आप देख सकते हैं सारे मावे को मैंने रसगुल्ले के शेप में दे दिया है। अब कढ़ाई गर्म कर लेंगे छानने के लिए। हीट हो चुकी है। अब इसमें तेल डालेंगे। हमारा तेल भी हीट हो चुका है। अब इसमें रसगुल्ले डालेंगे। गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करें मीडियम आंच पर। धीरे धीरे इसे पलटें।
उलट कर इसे गोल्डन कलर तक पकाएं, जब तक गोल्डन कलर का ना हो जाए हमारे गुलाब जामुन। इस तरह सारे रसगुल्लों को इस चलनी में तेल छनने के लिए रख देंगे। इसे 5 मिनट तक ढक के रख देंगे डुबोकर। अब 5 मिनट हो चुका है, अब इसे निकाल देंगे एक बाउल में। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूले नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।